नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाइनरी में अपना नाम कैसे लिखते हैं। जी हाँ, जो दो अंकों की लैंग्वेज होती है ना, 0 1, ये दो अंकों की लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, उस लैंग्वेज में हम अपना नाम कैसे लिखें। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाइनरी में अपना नाम लिखने के लिए आपको दो चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। एक होता है नंबर सिस्टम और एक आना चाहिए आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। बस आपको इतना आता है तो आप इस वीडियो देखने के बाद ये जरूर सीख जाएंगे कि बाइनरी में अपना नाम कैसे लिखें। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हेक्साडेसिमल होता है उसके कुल अंक 16 होते हैं, ठीक है, उसमें कुल 16 अंक आते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 0 से 15 तक। लेकिन 0 से 9 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 10 लिखते हैं तो हम देखेंगे 10 कोई अंक नहीं है, बल्कि वह 1 और 0 दो अंकों से मिलकर बनी एक संख्या है। इसलिए और 11 भी एक संख्या है, यानी 10 के ऊपर जितनी भी हम अंक लिखेंगे वो अंक नहीं होते हैं, वो संख्या होती है, ठीक है। तो अब मैथ के तो से केवल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल में अंक आने चाहिए 16। तो अब हम क्या करते हैं कि 9 के बाद इंग्लिश के लेटर ले लेते हैं, ठीक है, यानी 10 के स्थान पर हम ए रख देते हैं, 11 के स्थान पर बी रख देते हैं, इसी प्रकार 12 के स्थान पर सी, 13 के स्थान पर डी, 14 के स्थान पर ई और 15 के स्थान पर एक हम रख देते हैं। तो अब हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंक निकल कर आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बी सी डी ई एफ। तो एक्चुअली होता क्या है, जो 10 था 10 के स्थान पर जो हमने ए रखा था वो एक्चुअली ए का डेसिमल नंबर है, ठीक है, मतलब ए का डेसिमल नंबर 10 है, बी का डेसिमल नंबर 11 है, ठीक है ना। मतलब इसी तरीके से आप समझ जाना कि ये सभी डेसिमल नंबर होते हैं जिनके स्थान पर हम रखते हैं। ए का डेसिमल नंबर 10, बी का डेसिमल नंबर 11, सी का डेसिमल नंबर 12, डी का डेसिमल नंबर 13, ई का डेसिमल नंबर 14, एफ का डेसिमल नंबर 15। और इन डेसिमल नंबरों को हम आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर ही लेंगे अगर आपको आता है तो चलिए अब मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। मेरा नाम है सूरज, SURAJ। मैं इसके पहले डेसिमल नंबर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये क्या, मैं केवल एक आठ डेसिमल नंबर निकाल सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश के और ज्यादा अल्फाबेट तो यहाँ पर आ ही नहीं रहे, इंग्लिश के और लेटर का डेसिमल नंबर कैसे निकालें अब। तो इसको हम निकालेंगे बेस 32 पर, बेस 32 वाले नंबर सिस्टम पर, क्योंकि जिस नंबर सिस्टम का बेस 32 होगा तो उसमें कुल अंक 32 आएंगे। तो हम 10 अंक तो वो वाले ले लेंगे, मैथ वाले शुरू के 10 अंक, 0 से 9 वाले मैथ वाले हमारे पास 10 अंक आ जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर बचते हैं 10 से लेकर 31 तक, ये टोटल अंक 22 है, तो इनकी जगह पर हमारे 22 अल्फाबेट आ जाएंगे, 22 इंग्लिश के लेटर आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे पास इंग्लिश के जो 22 लेटर हैं ए से लेकर बी तक, इन सभी के डेसिमल नंबर ए हैं, ठीक है। यानी कि अब हम इंग्लिश के 22 लेटरों को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब अपने नाम को मैं बाइनरी कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। तो मेरा नाम है सूरज, SURAJ। तो चलिए अब हम इनके डेसिमल नंबर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों एस का डेसिमल नंबर होगा 28, यू का डेसिमल नंबर होगा 30, आर का डेसिमल नंबर होगा 27, ए का डेसिमल नंबर होगा 10 और जे का डेसिमल नंबर होगा 19। दोस्तों मैंने अपने नाम के डेसिमल नंबर निकाल लिए हैं, चलिए अब इनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं आता तो यहाँ पर आई बटन पर मैंने एक लिंक दी हुई है जिसमें मैंने बताया है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, 3-4 मेथड बताए हुए हैं मैंने उस वीडियो में, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो चलिए मैं अपने नाम के जो मेरे को डेसिमल नंबर मिल गए हैं उनको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ। तो 28 का बाइनरी होगा 11100, 30 का बाइनरी होगा 11110, 27 का बाइनरी होगा 11011, 10 का बाइनरी होगा 01010, 19 का बाइनरी होगा 10011। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से मैंने अपने नाम को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया यहीं आपके सामने। अब उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अपने नाम को बाइनरी में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। और हाँ, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।